ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन सासा की फ्रेंड लियो उसे अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेज देती है ताकि वो उस लड़के को भगा सके। सासा उस लड़के के पास पहुंचते ही उससे पैसे मांगने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पर आने में जो किराया लगा है वो तुम्हें देना होगा। वो लड़का कहता है कि तुम तो इतनी रिच हो ना, अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकती थी। जिस पर सासा उसे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मेरे जैसी ब्यूटी को डिजर्व नहीं करते हैं, और अपने बैग से पानी निकाल कर उस पर छिड़कने लग जाती है ये बोलकर कि ये पवित्र जल है। वो लड़का खड़ा होकर उसे रोकता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, लेकिन सासा उसे चुप करके बिठा देती है। यहीं पर हमारे ड्रामे का हीरो दियोन भी होता है जो कि इनके चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है। इधर सासा उस लड़के के मुंह पर सारा पानी फेंक देती है तो वो लड़का उसे पागल समझकर वहां से भाग जाता है। यहां से जाते टाइम सासा दियोन से टकरा जाती है, लेकिन दियोन तो उसे बिना सॉरी बोले वहां से निकल जाता है, जो देखकर सासा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है, लेकिन सॉन्ग उसे पकड़ लेता है। सॉन्ग दियोन का फ्रेंड होता है। वो सासा से कहता है कि उसे गलत मत समझना, वो फ़ोन पर बिजी था। सासा उस पर भी चिल्लाने वाली थी, लेकिन उसके हैंडसम फेस को देखने के बाद तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में दियोन ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए। वो कहता है क्योंकि मैं इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम खुद को बहुत ग्रेट समझते हो ना, तो वो कहता है कि समझना क्या है, मैं ग्रेट हूँ, मैं जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ उसमें कभी लॉस नहीं होता। ग्रैंडपा कहते हैं कि तो फिर शादी वाला प्रोजेक्ट कब पूरा कर रहे हो, जिस पर दियोन मना कर देता है कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना, मुझे अपनी बहू को देखना है। वो कहता है लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई बनाने का मूड है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने लड़कियाँ ढूंढ ली है, ये लोग 20 लड़कियों का बायोडेटा, ये लड़कियाँ अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये सभी रिच भी है और ब्यूटीफुल भी, बस तुम्हारा काम इन सभी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है। लेकिन दियोन मना कर देता है। तभी ग्रैंडपा के टीवी देखने का टाइम हो जाता है तो वहीं पर बैठकर ड्रामा देखने लग जाते हैं। दियोन कहता है कि ग्रैंडपा आप घर जाकर भी टीवी देख सकते हैं, तो वो कहते हैं कि जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रखा है। दियोन कहता है कि आप ये ब्लेम मुझ पर कैसे डाल सकते हैं, ये तो हमारी खानदानी बीमारी है ना, कल को अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसके रीज़न आप होंगे, है ना। ग्रैंडपा तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का नाटक करने लग जाते हैं, इसलिए दियोन को डेट पर जाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में लियो फिर से सासा को कॉल करके अपनी जगह पर डेट पर जाने का बोलती है। वो कहती कि अभी कुछ दिन पहले तो एक को भगाया था। लियो कहती कि मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन मैं उसी से शादी करूँगी जिससे मुझे प्यार होगा, इसलिए मेरी जगह तुम डेट पर जाकर ये डेट खराब कर दो। लेकिन सासा मना कर देती है तो लियो कहती कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम मुझसे मांगोगी। तो फिर सासा मान जाती है और नेक्स्ट सीन में रेडी होकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी वहां पर दियोन भी आ जाता है। उसे देखकर सासा सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन मुझे तो ये डेट खराब करनी ही होगी। सासा उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दियोन उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, जो देखकर सासा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि वो उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट था। तो सासा जल्दी से बाथरूम में आकर लियो को कॉल करती है, लेकिन लियो तो उसका कॉल पिक ही नहीं करती। तो फिर वो हिम्मत करके वापस आ जाती है और कांपते हुए चाय का कप उठाती है, लेकिन फिर वो खुद को मोटिवेट करती है कि मुझे लियो की तरह एक्ट करना है, और वैसे भी इसे थोड़ी पता है कि मैं इसी की कंपनी की एम्प्लॉई हूँ। ये सोचने के बाद सासा उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है ताकि दियोन उसे रिजेक्ट करते हैं। दियोन तो उसे रिजेक्ट करने की बजाय बोल देता है कि मुझे तुम्हारा ये बोल्डनेस वाला अंदाज बहुत पसंद आया, जिसके बाद सासा उसे डायरेक्ट होटल में चलने का ऑफर दे देती है। ये सोचकर कि कौन लड़का ऐसी लड़की से शादी करेगा जो पहली मीटिंग में होटल चलने को बोल रही है, लेकिन दियोन तो उल्टा उसे होटल ले जा रहा था। अब सासा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते हुए वो एक लेडी से टकरा जाती है। लेकिन वो लेडी सासा को अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझकर उसके बाल नोचने लग जाती है। तभी दियोन बीच में आकर उसे रोकता है। वो लेडी कहने लगती है कि तुम अभी तो मेरे बॉयफ्रेंड के रूम से निकली थी और इतना जल्दी नया बना लिया। सासा कहती है कि मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती भी नहीं हूँ। वो लेडी फोटो दिखाती है कि देखो इसमें तुम्हारे बाल लंबे हैं। सासा बोलती है कि कितनी ही लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो तो फिर भी सासा पे चढ़ ही जा रही थी। दियोन उससे कहता है कि मैडम अगर आपके बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की के साथ चक्कर है तो जाकर उसे लेक्चर दो ना, दूसरी लड़कियों के साथ झगड़ा करने से क्या होगा। ये बोलकर वो सासा को फिर से होटल में ले जा रहा था। सासा बचने के लिए बोल देती है कि वो लेडी बिल्कुल सही बोल रही थी, 3-4 बॉयफ्रेंड से मेरा क्या होगा, और बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दियोन सॉन्ग को बता देता है कि इस लड़की के तो 3-4 बॉयफ्रेंड हैं। सॉन्ग कहता है कि कैसी टाइम वेस्ट गर्ल है। तभी दियोन को ग्रैंडपा की कॉल आती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें लड़की पसंद ना आई हो तो मैं तुम्हारी दूसरी डेट फिक्स कर देता हूँ। लेकिन दियोन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लियो के साथ ही शादी करना चाहता हूँ।
जो सुनकर सॉन्ग तो शॉक्ड हो जाता है। इधर सासा घर पहुंचकर अपनी फ्रेंड लियो को डांट रही होती है। लियो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी ही कंपनी का प्रेसिडेंट है। सासा कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, ऐसी हरकतें करके आई हूँ कि वो मुझसे शादी तो क्या मुझे पसंद भी नहीं करेगा। लियो खुश होकर सासा के लिए खाना लेने जा रही थी तभी से उसके डैड की कॉल आती है, जिसके बाद वह सासा के पास आकर उस पर भड़कने लगती है। सासा बोलती है क्या हुआ, तुम तो मेरे लिए खाना लेने गई थी ना। लियो उससे पूछती है कि सच सच बताओ क्या करके आई हो। सासा पूछती है कि क्या कहना चाहती हो। वो बताती है कि द्यून मुझसे शादी करना चाहता है। सासा तो शॉक्ड हो जाती है कि क्या द्यून तुमसे शादी करना चाहता है। लियो कहती है कि पागल, वो मुझसे नहीं तुमसे शादी करना चाहता है, क्योंकि उससे मिलने तो तुम गई थी ना, ये बताओ कि क्या करके आई हो जो प्यार में पागल हो गया है। इधर सॉन्ग द्यून से पूछ रहा होता है कि तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो जिसके ऑलरेडी 3-4 बॉयफ्रेंड हैं। द्यून कहता है कि वो तो शादी से पहले है ना, शादी के बाद वो ऐसा नहीं करेगी। सॉन्ग पूछता है कि जब वो पहले ही ऐसा कर रही है, शादी के बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो वो बदल जाएगी। द्यून कहता है कि वो तियान हाई ग्रुप की बेटी है, वो लोग काफ़ी स्ट्रांग है, हमारे काम आएंगे, इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला है। तो सॉन्ग कहता है इसका मतलब कि तुम्हें प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। द्यून कहता है कि वो अच्छी दिखती है और मुझे पसंद भी है, और वैसे भी मैं और ब्लाइंड डेट पर जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में आधी रात को सासा को लियो की कॉल आती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर फंसा कर तुम आराम से सो रही हो। सासा कहती है कि अब क्या चाहती हो। लियो कहती है कि तुमने जो प्रॉब्लम खड़ी की है उसे सॉल्व भी तो तुम्हें ही करना होगा। सासा कहती है कि इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें करने के बावजूद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसका मतलब कि वो तुम्हारे पैसों से ही प्यार करता है। लियो कहती है लेकिन वो तो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है, तुम ये बताओ कि शादी से बचने के लिए क्या करूँ, घर से भाग जाऊँ क्या। सासा कहती है कि तुम सीधे उसे जाकर बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। कहती है कि अगर मेरी इस हरकत के बारे में मेरे डैड को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो सासा कहती है कि अगर द्यून ने मुझे कंपनी में देख लिया तो वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा। लियो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक मामूली से एम्प्लॉई हो और वो कंपनी का प्रेसिडेंट, चांस ही नहीं बनता कि वो तुम्हें पहचान ले। नेक्स्ट सीन में सासा ऑफिस में पहुँचती है, जहाँ पर एलिवेटर में उसकी मुलाकात द्यून से हो जाती है। वो तो बहुत डर जाती है कि कहीं आज वो पकड़ी ना जाए। जैसे ही लिफ्ट खुलती है सासा तुरंत ही भाग जाती है, लेकिन इस चक्कर में उसका जॉब आईडी नीचे गिर जाता है, जो द्यून उठाता है और उस पर उसका नाम देख लेता है। सासा फटाफट से अपनी आईडी लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा द्यून से पूछते हैं कि तुम तो लियो से शादी करना चाहते हो, लेकिन क्या उसने तुम्हें हाँ कहा है। द्यून कहते हैं कि अगर नहीं कहा तो कह देगी, वैसे भी मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट हूँ, मुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है। इधर सासा लियो को कॉल करके उसे ऑफिस में बुलाती है ताकि वो द्यून को सब कुछ क्लियर कर दे, लेकिन लियो उसे आइडिया देती है कि तुम खुद जाकर उसे बोल दो कि तुम मुझे पसंद नहीं और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा झूठ भी नहीं पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट सीन में सासा उससे मिलने पहुंचती है, जहाँ पर द्यून तो उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे किसी लड़की का नंबर ले सकते हो। वो कहता है कि हमारी तो शादी होने वाली है ना, तो होने वाली वाइफ का नंबर तो ले ही सकते हैं। वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, तभी तुम मुझे फर्स्ट मीटिंग में होटल ले जा रही थी। वो कहती है कि मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है शादी के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन होटल का ऑफर दिया था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो, लेकिन तुम तो पीछे ही पड़ गई, ये बोलकर जाने लगती है। द्यून उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। वो कहती है कि जिसे मैं जानती नहीं उससे मैं कैसे शादी कर लूँ। वो कहता है कि तो फिर हम फिर से डेट पर चलेंगे, मैं तुम्हें बहुत सारे चांस दूंगा खुद को जानने के लिए, जब तुम मुझे जान जाओगी तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। सासा उसे दूर हटाने के चक्कर में गिरने वाली थी, द्यून उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। द्यून कहता है कि मुझे एक बार डेट करके तो देखो, फिर तुम दूसरे लड़कों की तरफ देखना तक पसंद नहीं करोगी। सासा कहती है कि मुझे कोई डेट वेट नहीं करना और दोबारा अपनी शकल भी मत दिखाना। ये बोलकर वो चली जाती है और बाहर आकर सोचती है कि ये आदमी क्या पागल है, शादी नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा। तभी उसे सामने वही पागल लेडी दिख जाती है। सासा उससे बचने के चक्कर में कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो कार तो द्यून की होती है। द्यून उसे कहता है कि तुम तो अभी कह रही थी कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती, तो अभी हम क्या कर रही हो। सासा कहती है कि मैं तो बस तुम्हें बताने आई थी कि मुझसे कॉन्टेक्ट मत करना। द्यून कहता है लेकिन मैं तो अभी भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट करने का रीज़न नहीं दिया है। सासा रीज़न दे देती है, कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया और तुम्हारी शक्ल तो डायनासोर जैसी लगती है। ये बोलकर वो निकल जाती है और सॉन्ग तो हंसने लग जाता है। द्यून ऑफिस पहुंचकर बोलता है कि भला मैं कहां से डायनासोर जैसा दिखता हूं। सॉन्ग उसे डायनासोर की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि तुम दोनों कितने मैच करते हो ना। द्यून तो उसे वहां से भगा ही देता है। तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि शादी तो हमारे होटल में ही होगी,
जून कहता है कि आप किसकी शादी की बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि नालायक मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि कल ही तो मैं ब्लाइंड डेट पर गया था और आज आपने शादी का वेन्यू भी बुक कर दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है ना, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में लियो सासा के कहने पर दियुन को मैसेज करती है मिलने के लिए ताकि वो उसके साथ सारा मामला क्लियर कर सके। दियुन भी ओके का रिप्लाई भेज देता है। सासा लियो से कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी उससे बोलना, लेकिन मेरी आइडेंटिटी उसे मत बताना। इधर दियुन को लग रहा था कि सासा का दिल उस पर आ गया है, इसीलिए उसने उसे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट सीन में सासा दियुन को कंपनी में देखने पर भागने लगती है। इस चक्कर में उसकी चप्पल दियुन को लग जाती है जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर तो सासा वहाँ से भाग ही जाती है। दियुन भी उसके पीछे आता है। सासा लिफ्ट में चढ़ती है लेकिन दियुन भी पहुँच जाता है और कहता है कि ये स्लीपर तुम्हारा है ना, तुमने मुझ पर क्यों फेंका। वो कहती है कि जानकर नहीं किया, गलती से लग गया। तो वो पूछता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग देखकर मैं पैनिक हो गई थी। दियुन उसे स्लीपर दे देता है, वो पहनकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में पार्किंग एरिया में लियो एक कार को टक्कर मार देती है जो कार दियुन की थी। कार से निकल कर जब लियो सॉन्ग को देखती है तो वो तो उसके हैंडसम फेस को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और कहती है अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में नुकसान की भरपाई कर दूंगी, और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। सॉन्ग उस कार्ड को देखकर बोलता है कि तुम दियान हाई ग्रुप की बेटी लियो हो। लियो कहती है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। दियुन कहता है कि हाँ प्रॉब्लम है क्योंकि तुम फेक हो, क्योंकि रियल वाले के साथ तो मैं ब्लाइंड डेट पर गया था और आज उसी से मिलने जा रहा हूँ। लियो तो शौक हो जाती है कि क्या तुम ही दियुन हो। दियुन उससे पूछता है कि बताओ तुम दोनों में से असली वाली कौन है। तो वो कहती है कि मैं ही हूँ, मैंने उसे अपनी जगह ऑनलाइन हायर करके भेजा था। दियुन कहता है कि इसका मतलब कि तुम उसे पर्सनली नहीं जानती। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं जानती उसे। वो कहता है कि अच्छा तो फिर वो ब्लाइंड डेट पर तुम्हारा ये वाला बैग लेकर क्यों आई थी। वो कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दूसरे ब्रांड का है और वो दूसरे ब्रांड का लाई थी। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो कौन से ब्रांड का लाई थी। लियो तो फंस जाती है। दियुन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूँ तो वो तुमसे कितना गुस्सा होंगे, ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना। लियो कहती कि प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना, हम दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुटेबल पार्टनर नहीं। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे उस लड़की से मिलवाना होगा जिसे तुमने अपनी जगह भेजा था। जिसके बाद लियो सासा को कॉल करके कहती है कि सारा मैटर निपट गया, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और कॉल कट करने के बाद सोचती है कि पता नहीं दियुन अब मुझसे क्या क्या करवाएगा। नेक्स्ट सीन में दियुन सॉन्ग के घर आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कौन रियल लियो है और कौन फेक। सॉन्ग कहता है कि इसका मतलब कि अब तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं ढूंढनी होगी। दियुन कहता है कि मुझे उस फेक वाली लियो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे डायनासोर वाली शक्ल का बोलने की, मैं तो उससे रिवेंज लेकर रहूँगा। नेक्स्ट सीन में लियो सासा को शॉपिंग के लिए लेकर आती है और उसे पार्लर भी लेकर जाती है। सासा को डाउट होता है, वो पूछती है कि तुम इतना फालतू खर्चा मुझ पर क्यों कर रही हो, कहीं मुझे फिर से अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर तो नहीं भेजने वाली। लियो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं और पार्लर वाली से कहती है कि इसे और भी सुंदर बना दो, जिसके बाद वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है और उसे बताती है कि थोड़ी देर में दियुन यहाँ पर पहुँचता होगा। सासा कहती है कि धोखेबाज कहेगी। लियो कहती है कि उसने मुझे फोर्स किया, उसे पता चल गया है कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाता और उसे पता चल जाता कि तुम उसी की कंपनी के एम्प्लॉय हो। सासा कहती है कि ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकती थी ना। लियो कहती है कि अगर मैं बता देती तो तुम यहाँ नहीं आती। वो चाहता है कि बस तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। पर दियुन को आता हुआ देख सासा भी वीक लगा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्दी में उसका बैग गिर जाता है। दियुन आकर उसकी हेल्प करता है। सासा तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। दियुन कहता है कि फिर से मुलाकात हो गई फेक लियो, और उसका कूपन कार्ड देखकर बोलता है कि तुम नूडल रेस्टोरेंट में काम करती हो। वो कहती है कि मेरी फैमिली नूडल रेस्टोरेंट चलाती है। वो पूछता है कि तुमने फेक लियो बनने के लिए कितने पैसे लिए थे। वो कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने पैसे नहीं लिए, बस उसने मेरे पूरे महीने के खाने पीने का खर्चा उठाया था। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ स्कैम किया सिर्फ खाने के लिए। वो बोलती है कि क्या करती, मेरे पास एक भी पैसा बचता नहीं है। वो पूछता है कि ऐसी कौन सी कंपनी में काम करती हो। वो कहती है कि बहुत ही छोटी कंपनी है, तुम नहीं जानते, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम जो कहोगे बदले में वो करूँगी। वो कहता है कि पहले तो ये बताओ कि तुमने मुझे डायनासोर कैसे कहा। सासा कहती है अच्छा तो तुम इस बात से गुस्सा हो। वो कहता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे से किसी ने ऐसे बात की है। सासा कहती है कि मैं क्या करती, तुम ही मेरे पीछे पड़ गए थे शादी करने के लिए।
इसलिए तुमसे बचने के लिए ऐसा बोल दिया। असल में तो तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। यूनुस के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि यह नंबर सेव कर लो और जब भी कॉल करूँ तो पिक कर लेना। अगर तुमने मुझसे बचने की कोशिश की तो सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। वैसे तुम्हारा रियल नाम क्या है? सासा उसे अपना नाम बिंग बिंग बता देती है। घर पहुँचते ही ग्रैंडपा द्यून से पूछते हैं कि तुम मुझे लियो के पेरेंट्स से कब मिलवा रहे हो। वो कहता है कि भूल जाओ उसे, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। जो सुनकर ग्रैंडपा तो शौक में चले जाते हैं। इधर सासा लियो को बता देती है कि द्यून को मेरा रियल नंबर मिल गया है। मैंने अपने फैमिली रेस्टोरेंट के कूपन बैग में रखे थे जो गिर गए थे और उसमें से उसे मेरा नंबर मिल गया। लियो गुस्सा करती है कि तुम्हें कूपन बैग में रखने की क्या ज़रूरत थी, तुम एक नंबर की इडियट हो। सासा बोलती है कि आई बड़ा मुझे सिखाने वाली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इधर ग्रैंडपा फिर से द्यून के सामने लड़कियों की लिस्ट रख देते हैं ताकि वो ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी एक से शादी कर सकें। द्यून बोलता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, एक लड़की को मैं पसंद करता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा को यकीन नहीं होता। वो कहते तुम तो काम में हमेशा बिजी रहते हो, तुम्हारी कब से गर्लफ्रेंड बन गई? वो कहता है बिजी रहता हो तो इसका मतलब क्या गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता? ग्रैंडपा पूछते कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो फिर तुमने लियो से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? द्यून कहता है कि पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था लेकिन अब हम साथ में हो गए हैं, इसलिए अब मैं लियो से शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंडपा पूछते हैं तो फिर मुझे उससे कब मिलवा रहे हो? वो कहता है कि जल्दी मिलवा दूंगा। ग्रैंडपा खुश होकर चले जाते हैं, जिसके बाद सॉन्ग उससे पूछता है कि अब बताओ कि तुम किस लड़की से शादी करने वाले हो। द्यून कहता है कि उसी से जिसने ये सारा रायता फैलाया है, और सासा को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। सासा मना कर देती है तो वो कहता है कि ठीक है मैं ही तुम्हारे घर पहुँच जाता हूँ। सासा बहाना बनाने लगती है कि मेरे बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया है, मैं रात भर ऑफिस में ही रहूँगी। द्यून कहता है कि एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाओ, ये बोलकर कॉल कट कर देता है। बेचारी सासा मजबूर होकर उसे मिलने पहुँच जाती है, जहाँ पर द्यून उसे फेक रिलेशनशिप में आने का ऑफर करता है। सासा पूछती है क्यों, तो वो कहता है क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट पर जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सासा कहती है कि पहले तो तुम खुद ही मुझे झूठी बोल रहे थे और अब खुद ही मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो। वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम ही मेरी बेस्ट चॉइस हो क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल कमाल की है। जब तुम मुझे फूल बना सकती हो तो ग्रैंडपा तो बन ही जाएंगे। सासा कहती कि ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। उन कहता है कि लियो ने तुम्हारा एक महीने का खाने पीने का एक्सपेंस उठाया था, मैं पूरे साल का उठाऊंगा। जितने मर्जी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खा लेना, इवन कि मैं तुम्हें 3 लाख यूएन एक्स्ट्रा भी पे करूंगा। फिर भी सासा यही कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। नेक्स्ट दिन में द्यून आधी रात को सासा के घर पहुंच जाता है। वो कहती है कि मैंने हाँ कब की थी, सोच कर बताने के लिए कहा था। ये बोलकर जाने लगती है। द्यून पूछता है कि मना करने का रीज़न तो बता दो। वो सोचती है कि अगर मैं इसका साथ दूंगी तो इसे पता चल जाएगा कि मैं इसी की कंपनी में काम करती हूँ और तभी ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ऊपर से जॉब भी हाथ से चली जाएगी। तभी उसे अपनी मॉम आती हुई दिखती है। सासा द्यून को लेकर छुपने के लिए चली जाती है। इसी चक्कर में दोनों गिर जाते हैं और दोनों के बीच किस हो जाती है। द्यून का दिल तो ज़ोरों से धड़कने लगता है, लेकिन सासा अपनी मॉम को उधर आता देख द्यून को हिट कर देती है, जिससे कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में द्यून सासा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। सासा उसे मना कर देती है। द्यून कहता है कि लगता है कि तुम ऐसा नहीं मानोगी, लॉयर को बुलाना पड़ेगा। तुमने जो मुझे हिट किया है उसका कंपनसेशन तो तुम्हें करना होगा ना। जो सुनकर सासा तुरंत ही साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में सासा रात भर बैठकर द्यून और ग्रैंडपा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद कर रही थी और नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड लियो को भी इस बारे में बता देती है। लियो कहती है कि मुझे लगता है कि द्यून तुम्हें लाइक करता है। सासा उसका मुंह बंद करने के लिए उसे खाना खिला देती है। नेक्स्ट सीन में सासा द्यून से मिलने आती है, जहाँ पर द्यून उसका टेस्ट लेता है जो कुछ भी उसने याद किया है, जिसका सासा गलत जवाब दे रही थी। द्यून कहता है कि तुम तो मुझे फंसा कर मानोगी, ग्रैंडपा बहुत चालाक है, ऐसे तो वो हमें पकड़ लेंगे। नेक्स्ट सीन में रात को द्यून सासा को घर ड्रॉप कर रहा था। सासा उसके शोल्डर पर सर रख कर सो जाती है। ये द्यून को बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से सासा उठती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है, जो देखकर द्यून को तो हंसी आ रही थी। सासा को ड्रॉप करने के बाद सॉन्ग कहता है कि ये लड़की काफ़ी क्यूट है ना। द्यून कहता है कि हाँ लगती तो है। नेक्स्ट सीन में लियो के डैड उसे किसी और लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन लियो मना कर देती है। कहती है कि मैं जिससे प्यार करूँगी उसी के साथ शादी करूँगी, बिजनेस पर्पज से शादी नहीं करने वाली। जिसके बाद डैड उसे घर से निकाल देते हैं। लियो भी अपना सामान उठाकर जा रही थी। डैड उसे रोककर कहते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्रेडिट कार्ड तो देकर जाओ, बिना पैसों के ज़िंदगी जीकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। लियो भी उन्हें कार्ड दे देती है और कहती है कि अकेले बैठकर खाना खाना मैं भी आपको कंपनी देने नहीं आने वाली, ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सासा को एक नए कुक को सिलेक्ट करने के लिए कहते हैं। सासा उसे अपने बेस्ट फ्रेंड जियांग का नाम सजेस्ट कर देती है।
डायरेक्टर कहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ड्यून को जाकर दे दो। सासा जाने से मना करती है तो डायरेक्टर उसे खींच कर ही ले जा रहा था, तो सासा मुंह पर मास्क लगाकर ड्यून के पास आती है और जियांग की इन्फॉर्मेशन उसे देने लग जाती है। ड्यून उसे मास्क हटाने के लिए कहता है लेकिन वो कहती है कि मुझे बहुत तेज कोल्ड है। वो कहता है कि ठीक है। सासा जियांग की सारी इन्फॉर्मेशन देकर जल्दी से अपनी डेस्क पर आती है। डायरेक्टर उसे शाबाशी देकर चले जाता है। तभी उसे ड्यून की कॉल आती है कि तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि ग्रैंडपा के साथ डिनर पर जाना है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा रेस्टोरेंट में उनका वेट कर रहे थे, तभी ड्यून वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडपा रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय को ही अपनी होने वाली बहू समझ लेते हैं। ड्यून कहता है कि ये आपकी होने वाली बहू नहीं है। ग्रैंडपा बहुत ही एम्बेरस फील करते हैं और सासा को सॉरी बोलते हैं। सासा कहती है कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे पोते को पसंद करती हो। वो कहती है कि हाँ, तभी तो इसके प्यार में पड़ गई हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तो फिर तुमने इसे ब्रेकअप क्यों किया था। कहती है क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा टाइम और इम्पोर्टेंस अपने काम को देता था। ग्रैंडपा को भी इस बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि ड्यून सच में ही ऐसा है। ग्रैंडपा ड्यून को बाहर भेज देते हैं और सासा से कहते हैं कि तुम्हारा पहनावा देखकर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। तभी सासा का बैग गिर जाता है और ग्रैंडपा को उसमें से मूवी टिकट्स मिल जाती है। तभी ड्यून आकर कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। ग्रैंडपा ड्यून को डांटने लगते हैं कि सासा ने तुम्हारे साथ मूवी डेट प्लान की हुई है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, जबकि सासा ने तो वो टिकट जियांग के साथ मूवी देखने के लिए खरीदी थी, लेकिन जियांग ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। दोनों को मजबूरन साथ में मूवी देखने के लिए मानना पड़ता है, लेकिन ग्रैंडपा को तो ड्यून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए खुद उन्हें थिएटर के बाहर तक छोड़ने आते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ही मूवी देखकर बाहर आते हैं। सासा कहती है कि थैंक यू, वरना मुझे ये मूवी अकेले ही देखनी पड़ती। ड्यून कहता है कि मैं तो बस उस पर्सन का सब्स्टिट्यूट था जिसे तुम 8 साल से लाइक करती हो। सासा कहती है कि लेकिन अब मैंने अपने वन साइड लव का दी एंड करने का डिसाइड कर लिया है। तभी कोई सासा को हिट करके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने आंखों के पास स्वेलिंग देखकर चिल्लाने लग जाती है। तभी मॉम आकर कहती है कि बताओ किसने तुम्हारी शकल बिगाड़ी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में सासा जिस लिफ्ट में होती है, ड्यून और सॉन्ग भी उसी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर सासा को पता चल जाता है कि ड्यून नए कुक का खाना टेस्ट करने के लिए जा रहा है, इसलिए वो दोनों के उतरते ही डायरेक्टर को कॉल करती है और कहती कि मुझे डायरिया हो गया है, इसलिए आज मैं खाना टेस्ट करने नहीं आ पाऊंगी, कल वाली आउटडोर शूटिंग में मैं पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ड्यून को उसके पूरे हफ्ते का शेड्यूल देता है, जो कि ग्रैंडपा छीनकर देख लेते हैं। जो देखकर वो ड्यून का कान मरोड़ते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे तो तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, क्या तुम उस दिन भी काम करोगे, तुम्हें बिंग बिंग को डेट पर ले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर दूंगा, ये बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आउटडोर शूटिंग देखने ग्रैंडपा भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सासा तो डर जाती है कि आज तो मैं पकड़ी जाऊंगी। तभी सासा का फ़ोन बजता है, वो ग्रैंडपा से बचते हुए फ़ोन लेकर वॉशरूम में आ जाती है। वो फ़ोन ड्यून का होता है। सासा पूछती है कि अब क्या हो गया। वो कहता है कि कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती है कि मेरी कंपनी में फ़ोन पिक करना अलाव नहीं है। वो कहता है कि ऐसी कौन सी घटिया कंपनी है। सासा कहती है कि तुम्हें क्या काम है ये बताओ। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना सैटरडे को क्या है। तभी ग्रैंडपा वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, कहते हैं कि मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। सासा तो डर जाती है कि अब मैं क्या करूं। ग्रैंडपा चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ मुझ बूढ़े आदमी पर तरस खाओ और जल्दी से बाहर निकलो। सासा जैसे ही गेट खोलती है, बेचारे ग्रैंडपा गिर जाते हैं, लेकिन सासा तो उन्हें उठाए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा घर पहुँचते और ड्यून को बताते हैं कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉय सासा की वजह से मेरी कमर टूट गई है, उसे तो डोर भी खोलना नहीं आता, ऊपर से मुझे उठाया तक नहीं। ड्यून कहता है कि सासा ने जानबूझकर नहीं किया होगा, मुझे तो वो बड़ी डिसेंट टाइप की लड़की लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हर टाइम तो उसके मुंह पर बाल बिखरे रहते हैं, तुमने उसकी शक्ल कब देख ली जो तुम्हें वो बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो बिंग बिंग ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में सैटरडे आ जाता है। ड्यून सासा को लेकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट आता है। ड्यून उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि हम रियल कपल नहीं है, तो फिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, क्या कोई ड्रामा देखकर आए हो। ड्यून कहता है कि ड्रामा तो मेरे ग्रैंडपा देखते रहते हैं, एक्चुअल में ये रेस्टोरेंट मेरी फैमिली का है, जरूर उन्होंने यहाँ पर किसी न किसी जासूस को भेजा होगा हम पर नज़र रखने के लिए। लेकिन सासा हाथ छुड़ाने लगती है, जिस चक्कर में स्पून नीचे गिर जाता है, लेकिन स्पून उठाने के चक्कर में उसकी स्कर्ट फट जाती है। सासा का तो ड्यून के सामने पोपट बन जाता है। ड्यून उसे अपने ब्लेजर से कवर करता है और उस पर हंस रहा होता है। सासा गुस्सा करती है कि इसमें फ़नी क्या है। ड्यून कहता है कि फर्स्ट टाइम देखा लड़की का स्कर्ट लड़के के सामने फट गया, कितना एम्बेरिसिंग है ना। तभी सासा का सूज भी निकल जाता है।
यून उसे अपने हाथों से पहनाता है। सासा को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिसके बाद ड्यून सासा को उसके घर ड्रॉप करता है, लेकिन उसका वॉलेट तो उसकी कार में ही रह गया था। ड्यून उसे लौटाने आता है, लेकिन वो सासा को उसके रियल फेस में देखकर शॉक्ड हो जाता है, जो देखकर वो उसका वॉलेट चेक करता है, जिसमें उसे उसका जॉब आईडी मिल जाता है। और ड्यून को पता चल जाता है कि बिंगबिंग और सासा दोनों एक ही लड़की है। ड्यून बिंगबिंग के नंबर पर कॉल करता है, जो सासा ही पिक करती है, जिसके बाद उसे कन्फर्म हो जाता है कि ये लड़की मुझे उल्लू बना रही थी। लेकिन बिना कुछ कहे कॉल कट करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ड्यून घर आता है, उसे सासा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो सासा को कॉल करके कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। ड्यून पहले ही वहाँ पहुंचकर उसका वेट कर रहा था। सासा जल्दबाजी में वहाँ पर आती है और कहती है कि सॉरी, मैं काम में थोड़ा लेट हो गई। ड्यून कहता है कि तुमने बताया था कि तुम्हारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। सासा हाँ बोल देती है। ड्यून पूछता है कि तुम्हारी कंपनी आखिर क्या काम करती है। वो बताती है कि डेली रूटीन की चीज़ें सेल करती है। ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। ड्यून कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारी फैमिली, तुमने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वो कहती है, हम तो फेक कपल है, ये सब जाने की क्या ज़रूरत है। ड्यून कहता है कि अगर ग्रैंडपा ने पूछा तो पता होना चाहिए ना। सासा अभी भी बिंग बिंग होने की एक्टिंग चालू रखती है। ड्यून को तो गुस्सा आ रहा होता है और सॉन्ग को फ़ोन करके बोलता है कि फूड डिपार्टमेंट की 1:30 बजे मीटिंग फिक्स कर दो। सासा घड़ी में टाइम देखने लग जाती है। ड्यून बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें ऑफिस जाना है क्या? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सासा कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और जल्दी से ऑफिस पहुँचकर सबसे पहले अपना हुलिया चेंज करती है और फिर ड्यून के पास आती है। ड्यून उसे लेट होने की वजह से डांटता है और उसे बहुत सारा काम दे देता है। नेक्स्ट सीन में ड्यून सॉन्ग को भी सारी बातें बता देता है। सॉन्ग पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि बिंग बिंग और सासा एक ही है। वो कहता है कि हाँ। तो सॉन्ग पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। ड्यून कहता है कि अब मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। सासा जब भी अपना काम करके उसे फाइल देती है तो ड्यून उसमें कोई ना कोई कमी बताकर उसे दोबारा से काम करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा आकर पूछते हैं कि हम जो नया फूड लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। सॉन्ग बताता है कि डम्पलिंग की रेसिपी पर सासा काम कर रही है। ग्रैंडपा सासा की फ़ोटो देखकर बोलते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे गिराया था और ऊपर से उठाया तक नहीं था। ड्यून तो हंसने लग जाता है। तभी सासा जियांग के साथ कुछ पूछने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन ग्रैंडपा की बातें सुनकर वहाँ से वापस चली जाती है। ड्यून को तो उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचता है कि इसने जियांग को इस कंपनी में इसलिए रिकमेंड किया ताकि अपने 8 साल पुराने प्यार को हासिल कर सके। तभी ग्रैंडपा ड्यून से कहते हैं कि मुझे बिंगबिंग से मिलने का मन कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ड्यून सासा से मिलकर उसे अपनी कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी में इन्वाइट करता है और बताता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। सासा कहती है कि मैं नहीं आ सकती। ड्यून पूछता है कि क्यों, उस दिन तो सैटरडे है ना, तुम्हें तो काम भी नहीं करना। सासा बहाना बना देती है कि हमारी कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, इसलिए वीकेंड पर भी काम करवा रही है। ड्यून कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें पैसे देने होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। सासा ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में सासा लियो से पैसे मांगती है उसे देने के लिए, लेकिन वो पैसे बहुत ही कम थे। लियो कहती है, मेरी सारी सैलरी तो रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल और पता नहीं कौन कौन से बिल भरने में लग जाती है। ऊपर से मेरे डैड ने मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले लिया है। सासा कहती है, अपनी शिकायतें बंद करो और ये बताओ कि अब मैं क्या करूँ। लियो कहती है कि सेलिब्रेशन पार्टी में चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। इधर ड्यून सॉन्ग से कह रहा होता है कि उस लड़की ने ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला है बल्कि ये कहा है कि मेरी कंपनी बंद होने वाली है। सॉन्ग कहता है कि मुझे उस पर तरस आ रहा है। ड्यून कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो ना कि उसके। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि उसे उसकी फ्रेंड ने ब्लाइंड डेट पर आने के लिए फोर्स किया था, उसके बाद तुमने उसे फोर्स करके उससे लव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, इसलिए उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था ना सच छुपाने के अलावा। ड्यून कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि सारी मेरी गलती है। सॉन्ग कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। ड्यून कहता है कि ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, मैं तो उससे माफ़ी मंगवा कर रहूँगा। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सासा को बताता है कि तुम्हें कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय चुना गया है, कंपनी के प्रेसिडेंट तुम्हें अपने हाथों से अवार्ड देंगे, जो सुनकर सासा बहुत खुश हो जाती है और फिर रोने लग जाती है ये कहते हुए कि एक पार्टी में दो बनकर मैं कैसे जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सासा ड्रंक होकर ड्यून को कॉल करती है कि मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं आ पाऊंगी और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पे भी नहीं कर सकती। ड्यून कहता है कि अभी तुम ड्रंक हो, बाद में बात करेंगे। सासा कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ और वहीं गिर जाती है। ड्यून तुरंत ही अपनी कार लेकर निकलता है और आकर देखता है कि सासा टली होकर बेंच पर पड़ी है। ड्यून उसे उठाता है। सासा उसे नशे में सारी सच्चाई बता देती है कि मैं ही सासा हूँ और मैं ही बिंग बिंग भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। ड्यून तो स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब सासा उठती है तो उसे ड्यून की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने लव पार्टनर वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है,
अब तुम्हें मेरे साथ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर सासा तो बहुत खुश हो जाती है कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, और उछलते हुए ऑफिस पहुँचती है। डायरेक्टर कहते हैं कि कल रात तक तो तुम बहुत दुखी थी, रातों रात ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई जो इतना उछल रही हो। वैसे तुम्हें अब डंपलिंग की स्क्रिप्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पहली वाली स्क्रिप्ट ही प्रेसिडेंट ने सिलेक्ट कर ली है। तो सुनकर वो फिर से उछलते हुए अपनी डेस्क पर पहुँचती है। तभी उसे ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। वो पूछती है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ग्रैंडपा उसे कुछ नहीं बताते और उसे डिनर के लिए इनवाइट कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सासा उस लोकेशन पर पहुँच जाती है। दियोन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने बुलाया है, मैं क्या करती, मैं मना नहीं कर पाई और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। दियोन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड लियो ने तुम्हें कॉल किया होगा। सासा कहती है कि मेरा पर्स उसके पास था, वो मुझे देने आ रही थी। दियोन बताता है कि वो पर्स चोरी हो गया था और अब वो पुलिस स्टेशन में है। दियोन उसे लेकर जा रहा था, सासा उसे रोकती है, कहाँ लेकर जा रहे हो। बताता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम ही सासा हो। जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं पर्स लेने के लिए, जहाँ पर सासा अपनी फ्रेंड लियो को सब कुछ बता देती कि इसे सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाती है। सॉन्ग दियोन को चोर की सारी डिटेल देता है जिसने पर्स चुराया था। दियोन चोर के पास जाकर बोलता है कि इसे कभी देर से बाहर मत निकलने देना। चोर कहता है कि मैंने तुम्हारा सामान थोड़ी ना चुराया है, तो फिर तुम इतना क्यों भड़क रहे हो। दियोन कहता है कि तुमने मेरी गर्ल के साथ मैस क्रिएट करने की कोशिश की है। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग पूछता है कि क्या कहा था तुमने कि वो तुम्हारी गर्ल है। दियोन कहता है कि हाँ, सुना नहीं था तुमने, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सॉन्ग पूछता है कि तुम्हें सडनली इसका एहसास कैसे हो गया। दियोन कहता है कि सडनली थोड़ी ना हुआ है, पहली मुलाकात में ही वो मुझे पसंद आ गई थी, तभी तो मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। और वो सॉन्ग को रिंग दिखाता है कि मैं तो उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। दियोन कहता है कि भला कौन सी लड़की मुझे रिजेक्ट कर सकती है। सॉन्ग उसे रोकता है लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। और सासा को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, वो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सासा उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे फायर मत करना, मैंने कंपनी में बहुत मेहनत की है, ये देखो मैंने नया प्रेजेंटेशन भी बनाया है। दियोन का तो सारा प्लान चौपट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ये सारी कहानी सुनकर हंस रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा तो पोपट बन गया, लेकिन ये बताओ कि तुमने उसे क्या जवाब दिया। वो कहता है कि क्या जवाब देता, मैंने बोल दिया कि सोच कर बताऊँगा, लेकिन क्या वो मुझे एज अ मैन नहीं देख सकती थी, मैं रिच हूँ, हैंडसम हूँ, टॉल भी हूँ। सॉन्ग कहता है कि उसकी नज़रों में तुम डेविल हो जो कि उसे जॉब से निकाल सकता है, तुम्हें उसे रियलाइज़ करवाना होगा कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। नेक्स्ट सीन में सासा अपनी स्कूल की रीयूनियन पार्टी अटेंड करने जाती है, जहाँ पर वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी दियोन का रिप्लाई देखने के लिए कि कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। तभी उसकी दो फ्रेंड आकर उसे कहती है कि फ़ोन में क्यों देख रही हो बार बार, क्या अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रही हो। दूसरी लड़की बोलती है कि इसका स्टैंडर्ड इतना लो है, भला इसका बॉयफ्रेंड कौन बनेगा। तभी लियो आकर कहती है कि किसने कहा कि सासा का बॉयफ्रेंड नहीं है, सासा का बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम, रिच और टॉल है। क्लासमेट बोलती है कि हम भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। तभी दियोन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इतना अच्छा है, फिर तुमने ये बटरी वाले कपड़े क्यों पहन कर रखे हैं। दियोन सासा को अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि जितना मर्जी शॉपिंग करो। ये सुनकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है और फिर दियोन सासा को बाहर लाकर बोलता है कि जब तुम्हारे लिए जॉब इंपॉर्टेंट थी तो रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया। सासा कहती है क्योंकि मेरी गलती थी ना, इसीलिए दिया, और अब डिसीजन तुम्हारे हाथों में है, जो भी तुम डिसीजन लोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। दियोन उसका रेजिग्नेशन फाड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे काबिल एम्प्लॉय को अगर मैं अपनी कंपनी से निकालूंगा तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कौन होगा। सासा उसे थैंक्स बोलती और प्रॉमिस करती है कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। दियोन उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, सासा भी मान जाती है। बिजनेस ट्रिप पर काम निपटने के बाद दियोन ग्रैंडपा से कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अभी यहीं पर टाइम बिताऊँगा। ग्रैंडपा को लगता है ये बिंगबिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद दियोन सासा को पिक करने आता है। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि सासा तो उसे देखती ही रह जाती है। दियोन सासा को वहाँ का स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए ले जाता है, जो कि सासा को बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद वो होटल वापस आते हैं अपना सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें क्लासमेट्स मिल जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों यहीं रुके हो, तो दियोन बोलता है कि हाँ, हम दोनों इसी होटल में रुक रहे हैं। उन लोगों के जाते ही सासा पूछती है कि हम तो वापस जाने वाले थे ना। वो कहता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, आज रात हमें होटल में ही रुकना होगा। दियोन उसे एक ही रूम में रुकने के लिए कहता है, लेकिन सासा मना कर देती है। दियोन कहता है नहीं तो तुम्हारी क्लासमेट्स को सच पता चल जाएगा। ये सुनकर सासा रुकने के लिए मान जाती है, लेकिन वो सोफे पर सोने के लिए जाती है।
यून कहता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि जब तुम सो जाओ ड्रामों की तरह मैं तुम्हें गोद में उठाकर बेड पर सुलाऊं। जो सुनकर सासा तुरंत ही बेड पर सोने चली जाती है। और सासा के मोबाइल पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। यून कहता है कि बताओ कौन लड़का इतनी रात को तुम्हें मैसेज भेजे जा रहा है। सासा बताती है कि क्लासमेट्स के मैसेज आ रहे हैं, पूछ रही है कि हम दोनों कब और कैसे मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या रिप्लाई दूँ। यून कहता है कि लाओ मैं उन्हें रिप्लाई कर देता हूँ, तुम तो जानती हो कि मैं हर चीज़ में कितना परफेक्ट हूँ। लेकिन सासा बहाना कर देती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यून सासा को चेक करता है, उसे तेज फीवर होता है तो वो उसे मेडिसिन दिलाने के बाद उसके घर ड्रॉप कर देता है। सासा उसे थैंक्स कहती है कि तुमने मेरे लिए इतनी परेशानियाँ उठाई। यून कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। लेकिन सासा उसे इग्नोर करके जा रही होती है। यून कार से उतर कर कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? नहीं तो जिस इंसान को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड क्यों करता? सासा ये सब कुछ सुनने के बाद भी बहाना करके अंदर चली जाती है। यून कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट सीन में यून सासा के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यून बिंग बिंग के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ होटल में रुका था। ग्रैंडपा कहते कि तुम बिंग बिंग को धोखा दे रहे हो ना। वो कहता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। ग्रैंडपा कहते हैं जरूर तुम्हारे अफेयर के बारे में उसे पता चल गया होगा। वो कहता है कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी फिर से ब्लाइंड डेट फिक्स कर देता हूँ, मैं तो तुम्हारी शादी करवा के मानूंगा। यून तो बेचारा फिर से फंस जाता है। ग्रैंडपा के जाते ही सॉन्ग उससे कहता है कि तुम सासा से अपना लव कन्फेस करके ग्रैंडपा से मिलवा क्यों नहीं देते हो। यून कहता है कि मैंने उसे कन्फेस कर दिया है, बस मैं उसके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। सॉन्ग कहता है कि इसका मतलब कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही उसे सोचने का टाइम दिया है। इधर सासा लियो को बता देती है कि दियोन ने उसे प्रपोज किया है। लियो पूछती है तो फिर तुम सैड क्यों हो? सासा कहती है क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लियो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारा पर्स चोरी हुआ था, उसे दियोन ने ही पकड़ा था। मुझे लगता है कि वो सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सासा सोचती है कि नहीं, हम कभी एक नहीं हो सकते, वो इतना रिच है और मैं एक मामूली सी एम्प्लॉई। नेक्स्ट सीन में सासा दियोन को ऑफिस में थैंक्स बोलती है चोर को पकड़ने के लिए। तभी सॉन्ग आकर बताता है कि ग्रैंडपा आ रहे हैं तो दियोन जल्दी से सासा को लेकर छुप जाता है। ग्रैंडपा सॉन्ग से आकर पूछते हैं कि दियोन कहाँ है। वो कहता है कि मुझे क्या मालूम। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों एक ही पार्टी में हो, ज़्यादा होशियार मत बनो, उसे ब्लाइंडेड पर तो जाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक बचेगा। सासा भी ये सारी बातें सुन लेती है तो दियोन कहता है कि मैंने ग्रैंडपा को बता दिया है कि मेरा बिंग बिंग से ब्रेकअप हो गया है। सासा कहती है तो फिर तुम ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। सासा कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं बैठते। वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती? और उसे फिर से लव यू बोल देता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही बार बार प्रपोज करता रहूँगा। सासा उसे किस कर देती है तो दियोन भी उसे किस करने लगता है और कहता है कि अब मैं इस किस का मतलब यही समझूँ ना कि तुमने मुझे हाँ बोल दिया है। सासा कहती है कि ये किस एक्सीडेंटली हुआ था, मैं गलती से तुमसे टकरा गई थी, इसे भूल जाना, ये बोलकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दियोन सासा से कहता है कि कल जो तुमने मुझे किस किया था ना, उसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो कहती है लेकिन वो तो गलती से हुआ था ना। दियोन कहता है कि गलती से हुआ हो या फिर तुमने जानबूझकर किया हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो पूछती है कि बताओ क्या करना है। दियोन उसे उसका टाइम मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन स्पेंड करना चाहता हूँ, जिसके बाद सासा पूरा दिन दियोन के साथ स्पेंड करती है और दोनों साथ में बहुत ही इंजॉय करते हैं। शाम को जून के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है, तुम्हारी ब्लाइंडेड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर सासा बहुत सैड हो जाती है और घर आकर परेशान हो रही होती है और कहती है कि कल रात तक तो मुझे प्यार का इजहार कर रहा था, थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकता था, क्या पता मैं उसे हाँ बोल देती। ये सोचकर वो उसे कॉल करती है और उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाती है कि तुम्हारा ये कैसा प्यार है जो एक दिन में बदल गया। यून कहता है कि मैं ब्लाइंडेड पर नहीं गया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर हूँ, दोबारा प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। सासा भी भागते हुए उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते और किस करते और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।